हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दुष्यंत छेती छेती हाथ चलो। हाँ तू फिकर ना कर, इस दफा लेट नहीं होना। ऐसा मिश्का तैयार है ना? अरे कब की तैयार है, वो देखो बाहर खेल रही है। वाकई में इस बार का धमाका ऐसा होगा जिसकी गूंज सदियों तक याद रखी जाएगी। हम सही सलामत निकल तो जाएंगे ना यहाँ से? अरे 100%। वैसे भी है, हम पे किसी का शक नहीं है, और जब तक हम यहाँ से निकलेंगे तब तक तो इस घर का और यहाँ का नामो निशान मिटा चुके होंगे। और सुनिए, देख मेरे हाथ की कारीगरी, तो कह सकता है कि ये नकली पासपोर्ट है। तुम्हें तो बस ये नकली पासपोर्ट बनाने, असली धमाका तो मैं करने वाली हूँ। सदी कुरियर आपके लिए। एजेंट वाले इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से। मैंने ही आपको फोन किया था। थैंक गॉड आप लोग आ गए सर। सर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हमारे दो जासूस मोनिका और दुष्यंत सिलेंडर फटने की वजह से मारे जा चुके हैं, और ये कोई हादसा नहीं है सर, ये एक साजिश है। बस अभी मोनिका की भतीजी मिश्का ही बची है, और सर इसकी भी जान खतरे में। आपको कैसे मालूम पड़ा ब्लास्ट के बारे में? सर दुष्यंत ने मिश्का को बोला था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या उन दोनों को कुछ हो जाए तो वो मुझे फोन करके बुला ले, और जैसे ही मुझे मिश्का का फोन आया मैं तुरंत यहाँ पे आ गई। बच्ची को तुम अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में क्यों नहीं रख लिया? और तुम्हारा ये ऑपरेशन, उसका हेड कौन है? सब हमारे हेड खुद लापता है, पता नहीं वो जिंदा है भी कि नहीं। जरूर हमारे ही विंग में कोई गद्दार है जिसकी वजह से ऑपरेशन फेल हो गया। कहीं वो गद्दार तुम ही तो नहीं? अरे यहाँ पे भोली बनने का नाटक कर रही हूँ। सर अगर मैं गद्दार होती तो आपको फोन करके यहाँ क्यों बुलाती? हो सकता है वो अभी भी मुझ पे नजर रखे हुए। सर अब मुझे जाना होगा। कहीं नहीं जाओगी तुम जब तक हमें ये नहीं बता दी कि ये तुम्हारा ऑपरेशन है क्या। टेररिस्टों को फंड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ही ऑपरेशन था, और मुझे लगता है शायद दुष्यंत और मोनिका को पता चल गया था कि असली क्रिमिनल कौन है, और इससे पहले कि वो मुझे कुछ बताते वो दोनों मारे गए। सर सही है, मोनिका और दुष्यंत है। ठीक है बच्ची को हमारे पास छोड़ दो, लेकिन अगर हमें तुमसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? सर ये गेस्ट हाउस का नंबर है, आपको जब मुझसे बात करनी हो आप बस इतना बोल दीजिएगा कि बसंती से बात करा दीजिए, वो मुझे ही फोन देंगे। ठीक है। मेरे
मेरे घर में लाइट? ये कौन घुसा है? मैडम लगता है आप किसी गलत पते पे आ गई है। ये मेरा घर है, आप घर के अंदर कैसे घुसी? नाम क्या आपका? रजनी कुमारी, मिसेज रजनी दया कुमारी। 3 महीने पहले आप ही हमसे ब्याह किए थे वंतूर में, अभी भाग गए, वहाँ से रफू चक्कर हो गए वंतूर में। तो कहा हम झूठ बोलेंगे? हम जैसी शरीफ अच्छे परिवार की लड़की ऐसे किसी पराए मर्द को अपना पति बोलेगी? का कह रहे हैं आप? आप ही ने तो हमको पता दिया था और अपने फोन नंबर भी दिए थे। मैंने दिया था तो? दिमाग खराब है तुम्हारा? शायद तुम जानती नहीं हो कि मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। क्या बात है दया, तुम अपने बीवी पर क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सुधांती है, मेरी बीवी नहीं है। देखो ना, ये क्या कह रहे हैं? लो बेटा पानी पी लो। अरे ऐसे कैसे नहीं है वो तुम्हारी बीवी? तुम्हें पता है कितने घंटों से वो तुम्हारे घर के बाहर खड़ी थी? अरे मेरी नजर पड़ गई तो मैंने उसे तुम्हारे घर की डुप्लीकेट चाबी दे दी। मेरे घर की चाबी आप किसी को भी कैसे दे सकती? किसी को मतलब कोई अनजान है क्या? तुम्हारी अपनी बीवी है। और शादी कर ली तो छुपा क्यों रहे हो? वैसे अच्छी चॉइस है तुम्हारी। वैसे मुझे लग नहीं रहा था कि आप इस उम्र में भी शादी करोगे। अरे आंटी मैंने कोई शादी इस उम्र में मतलब क्या? सीआईडी वाले हो, इसका मतलब ये नहीं कि इस बिचारी पर तुम अपना रोक झाड़ो। और चाची जी, अगर ये मुझे गुस्से में डांट देते तो मैं सह लेती, पर ये तो कह रहे हैं कि मैं इनकी पत्नी नहीं। शाबाश, गुड गर्ल। बेटा तुम कहाँ? हाँ मैं फोन लेता हूँ। आदे सर, मैं एक अजीब सिचुएशन में फंसा हूँ सर, आपसे मिलना चाहता हूँ। ये मंगलसूत्र की कसम खा के कहते हैं हम आपके अर्धांगी नहीं है, पत्नी बीवी घरवाली अर्धांगिनी, बस यार ये शब्द सुन सुन के मेरे कान पक गए। अच्छा अगर इतनी ही तकलीफ थी आपको इन शब्दों से तो हमसे शादी करेगी बताइए सर? हम तो इनसे शादी करना भी नहीं चाहते थे, यही हमारे पास आए थे बच्चे की तरह रोते भी लगते कि रजनी हमसे शादी कर लीजिए, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बगैर हम रह नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, हमसे शादी कर लो। हम आए थे तुम्हारे पास रोते हुए कि हमसे शादी कर लो। हाँ इतने बुरे दिन नहीं है मेरे भी। एक मिनट रजनी नाम है तुम्हारा, है ना? तुम्हारे पास सबूत है? कोई सबूत शादी का दया के साथ? वंतूर के वो पंडित जिन्होंने हमारा ब्याह करवाया था, ये फोटो सर, ये फोटो भी तो झूठे हैं सर। अगर इनके दिल का प्यार हमारे गांव की तालाब की तरफ भले ही सूख गया हो तो इन्हें कह दीजिए कि ये हमको डाइवोर्स दे दे, पर ये ना कहे कि हमारी शादी ही नहीं हुई थी। डिवोर्स? जब शादी नहीं हुई तो एक काम करो, वंतूर गांव में फोन लगाओ, वहां पर तुम्हारे पहचान वाले लोग हैं, उन सब से बात करते हैं, स्पीकर फोन ऑन करो। और हाँ खास करके उस परिवार के साथ जहाँ पर तुम लोग ठहरे हुए थे। करिए सर करिए, वो सब आए थे हमारे ब्याह में, हलवा पूरी भी खा के गए थे। हलवा पूरी? हाँ।
कमला ताई, मैं दया बोल रहा हूँ मुंबई से, पहचाना? दया? क्या बेटा, पहचानूंगी कैसे नहीं, और आज मेरी याद कैसे आई? रजनी ठीक से घर पहुंची कि नहीं? उसे तेरा घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कमला ताई, मकान तो मिल गया, पर हमारे पते हमें नहीं मिले। अरे ये कैसे है? ये हमको भूल गए हैं, ये हमको जानते नहीं है, हमसे कोई शादी वादी नहीं की है। क्या हो गया दया बेटा, रजनी से कोई गलती तो नहीं हो गई? शिरडे बोल रहे हैं दया। बंद करो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा सर, ये क्या हो रहा है? क्यों क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या मकसद है तुम्हारा? बोलो क्या मकसद है तुम्हारा? सर आपके दोस्त हैं। तुम लोग यहाँ कैसे? अरे अब फोन करने वाला था तुम दोनों को। आते कैसे नहीं दोस्त, रजनी भाभी ने फोन किया था इसलिए तुरंत आ गया। मगर हुआ क्या भाभी, आप रो क्यों रहे हो और ब्यूरो में क्यों हैं? अरे सच बता, क्या किया तूने भाभी के साथ, क्यों रो रही है भाभी? अरे कैसी भाभी, किसकी भाभी, तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? हम लोग वंतूर गए थे 5 दिन के लिए, वहां पे ट्रैकिंग की हमने, शिरदे भाव के घर में ठहरे थे, उसके बाद वापस आ गए, बस और क्या। अरे हम झूठ नहीं बोल रहे हैं यार, तेरी शादी हो गई, मेरे पास फोटोज भी है तेरी। देखिए ना भैया, ये कह रहा है कि हमको जानते नहीं, ये हमसे शादी नहीं की है, ये हमको भूल गए हैं, देखिए ना इनका याद भी नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये दया, ये रजनी, कमला ताई, शिरदे भाव और हम। अरे यार ये सब झूठी फोटोज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल कोई भी कर सकता है कंप्यूटर पे। खेल लेते ना, हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद किया बताइए, हम ना आपको कोर्ट लेके जाएंगे। देखिए हम पढ़े लिखे हैं, हमको कमजोर ना समझिएगा। सर जवाब दीजिए, क्या ये बात सच है कि सीनियर इंस्पेक्टर दया अपनी वाइफ के ऊपर अत्याचार कर रहा है? आप लोग बिना सच जाने कुछ भी बोली जा रहे मेरे बारे में? आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग सीआईडी में हैं तो क्या अपनी ताकत का गलत फायदा उठाएंगे? देखिए हम सीआईडी वाले ना किसी पर अन्याय करते हैं ना मासूम पर अन्याय होने देते हैं, समझे? ये मीडिया वाले कहां से आ गए यार? पता नहीं यार, लगता है पड़ोसी ने फोन किया होगा। नमस्ते। नमस्ते, मैं सामंत, समाज सेवक, मेरे होते हुए इस देश की नारी को कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। सर मैं हूँ दामिनी, महिलाओं के हक की लड़ाई के लिए मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, इस बच्चे को हम उसका हक जरूर दिलवाएंगे सर। यस सर, बट ठीक है, ओके। सर रुकिए सर, जवाब लेके जाइए। सर रजनी जी, क्या दया ने आपके ऊपर हाथ भी उठाया? बताइए क्या आपसे दहेज की मांग की गई? बस एक बिनती है, हमको हमारा पति दिला दीजिए, हमको हमारा दया दिला दीजिए। यह मामला आगे बढ़ चुका है, तुम्हें इस रजनी को अपने घर में अपने साथ रखना होगा। ये सुनो, हेड ऑफिस की नोटिस है कि सिर्फ रजनी नहीं उसके साथ ये जो लेडी सोशल वर्कर है ना दामिनी मैडम, वो भी तुम्हारे साथ रहेगी, ये देखने के लिए कि दया रजनी के साथ कोई बदसलूकी नहीं कर रहा है। सर मुझे अपने ही घर में इन नमूनों के साथ रहना पड़ेगा? रहना पड़ेगा दया, जब तक इस रजनी की असलियत पता नहीं चलती तुम्हें रहना पड़ेगा। अब तो सर ये सब एक बुरे सपने जैसे लगने लगा है, ऐसा लगता है कि आस पड़ोस के देशों से भी लोग यहाँ पे आएंगे ये साबित करने के लिए कि ये रजनी मेरी बीबी है। दया, ये जसवंत और मोनिका का खून और फिर ये रजनी तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे घर में जो जबरदस्ती घुसी है, गड़बड़ है दया, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, ये कोई संजो हो ही नहीं सकता। और ये कोई बेचारी बेचारी नहीं है सर, मैंने उसके ऊपर गन तानी थी, उसके चेहरे पे जरा सा भी शिकन या टन नहीं था। सर ये रजनी भी जरूर कोई मंजे हुई मुजरिम है। वन टूर जाके पता तो लगा ये सारा चक्कर है क्या।
और जब भी तुम घर में रहोगे इस रजनी और दामिनी दोनों के साथ जरा अच्छा बर्ताव करना, तो ये दोनों मिलकर कोई मुसीबत ना खड़ी करते। हाँ सर, अब उसका खेल उसी के साथ खेलूंगा। पूर्वी, जहां पर दुष्यंत और मोनिका का खून हुआ वहां जाकर देखो जरा अच्छी तरह से, देखो कोई ना कोई सबूत तो मिलेगा ही मिलेगा। सर ये एजेंट वानी भी मुझे ठीक नहीं लगती, मुझे तो इस पे भी शक है, कहीं हम इस पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे। गेस्ट हाउस पे फोन कर, देखते हैं। हेलो, बसंती है? हेलो, मैं बसंती बोल रही हूँ। मैं जानती थी आप सीआईडी वाले मुझे शक के दायरे से इतनी जल्दी बाहर नहीं करेंगे। बस हालचाल पूछने के लिए फोन किया। सर गेस्ट हाउस में ही है। ठीक है सर, मैं चलता हूँ, देखता हूँ ये रजनी कौन सी नई चाल चलने की तैयारी में। अपडेट देते रहना। चल बेटा, तुम सोई नहीं हो अब तक? भूख लगी है? नहीं कुछ नहीं अंकल। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही कैसे, कुछ तो है ना, बताओ। अंकल वो मम्मी ने कहा है कि अगर मुझे उनकी तरह अच्छी जासूस बनना है तो फिर मुझे हमेशा होशियार रहना चाहिए, सोते हुए भी आँख खुली होनी चाहिए। अरे वाह, ऐसे कहा मम्मी ने? तो फिर चलो तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, सही सही जवाब देना। याद करो जब तुमने वाणी आंटी को फोन किया था तो उससे पहले क्या हुआ था? मैं बाहर खेल रही थी, खेलते वक्त मेरे कपड़े गंदे हो गए, तो फिर मैं अपने कमरे में अपने कपड़े बदलने गई, बदल के मैं वापस खेलने लगी। फिर? तब अचानक बहुत तेज आवाज आई। अरे बाप रे, फिर? दुष्यंत अंकल ने कहा था कि अगर ऐसा कभी भी हो तो फिर बाहर वाली दुकान पर जाके वानी आंटी को कॉल कर देना, और जब तक वो नहीं आई वहीं पर रुकना। शाबाश बेटा, बिल्कुल सही किया तुमने। जाओ, चलो सो जाओ, है ना? अंकल, मासी और दुशांत अंकल कभी वापस नहीं आएंगे ना? अरे वाह, आपको बड़ा ख्याल है मेरी पसंद का। जी, आप कहे तो अपने हाथों से खिला दे का? नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने हाथ से खा लूंगा। अच्छा तो हमें भी खिला दीजिए ना। बिल्कुल। कैसा लगा? बहुत है। वैसे आज आप इतने प्यार से बात कर रहे हैं जैसे हमारे शादी के दिन किए थे, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें। क्या मैं आपके घर अपना रेडियो सुन सकती हूँ? थोड़ा पुराना है, खटखट करता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। हाँ, खटखट करता है आपकी तरह है? क्या कहा? नहीं, आप रेडियो सुन सकती है बिंदास। वैसे मैं आज शहर से बाहर जा रहा हूँ एक केस के सिलसिले में, तो मैं कल ही लौटूंगा। वैसे भी दामिनी जी तो है, ठीक है मैं चलूँ? सुनिए ना। बोलिए ना। जल्दी आइएगा और हमको याद जरूर करना। हाँ, सिर्फ आप ही को याद करूंगा, अब मैं चलता हूँ। हाँ? मैं चलता हूँ नहीं बोलते, मैं आता हूँ। ऐसा बोलते हैं? जी ठीक है, मैं आता हूँ। इंस्पेक्टर युवराज। यस मैडम, ये रे वो रिपोर्ट जो आपने मांगी थी।
सिलेंडर ब्लास्ट और शॉर्ट सर्किट के दो जली हुई लाशें मिली। इसके पहले कि हम कुछ छानबीन कर पाते, ये केस सीआईडी के पास चला गया। घर ब्लास्ट के बाद जैसा था वैसे का वैसा ही है ना? जी हाँ, चल के देखें। चल। एजेंट वानी को कोई खास इंफॉर्मेशन देना चाहते थे मोनिका और दुष्यंत, मगर इससे पहले वो दे पाते उनकी मौत हो गई। शायद उस इंफॉर्मेशन से जुड़ा कोई सुराग मिल जाए यहाँ पर। देखते ये क्या मूवर्स और पैकेट्स के डब्बे यहाँ पर? शायद ये उन लोगों के हो जिन्होंने मोनिका और दुष्यंत पे हमला किया था। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इसमें वो बॉम्ब है जिसके फटने से ये लगे कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। बैकयार्ड चेक करते। यहां तो कुछ खास नहीं दिख रहा है। एक मिनट, ये कुरियर का कवर यहाँ क्या कर रहा है? जापनीज में लिखा है, सिर्फ नाम इंग्लिश में है। मारिया फर्न्स। ये मारिया फर्न्स कौन है? मोनिका मारिया फर्न्स के नाम से जानी जाती थी। अब जो भी कोई ये कुरियर लाया होगा उसका जरूर इस मिशन से कोई ना कोई ताल्लुक तो है। सर ये दया की शादी की फोटोज, ये नकली नहीं सर, एकदम असली है। क्या कोई गलती तो नहीं हो रही है मुझे? नहीं सर, एक्सपर्ट से चेक करवाया, वो बोल रहा है एकदम असली फोटोज है। दया तो कभी झूठ बोलता नहीं है सर, समझ में नहीं आ रहा। वही तो, अभी ये लगता मेरे दिमाग में कुछ समझ में आ रहा है। लगता है किसी ने दया का प्रोस्थेटिक मास्क बनवाकर वो पहन कर इस रजनी के साथ शादी की फोटो खिंचवाए हैं। बड़ा चालाक है ये, जो भी है जानता था कि नकली फोटो पकड़े जाएंगे। सर कभी किसी भी फोटो में दया का क्लोजअप नहीं है सर, सारी फोटो दूर दूर से खींची गई। हाँ अरे रजनी, इसकी असली आईडी क्या है? सर रजनी कुमारी है। उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब चेक किया मैंने सर। ये वंतूर में जन्मी है और सतारा में पढ़ी लिखी है। अगर ये बात है तो फिर अभिजीत, इस रजनी का ढोंग प्रूव करना जरा मुश्किल हो जाएगा। शहर में कुछ बड़ा इवेंट वगैरह होने वाला है क्या? सर एक इवेंट है जो आतंकवादियों के काम का है। क्या? एक कॉन्वॉय जा रहा है सर 5 टन सोना लेके रिजर्व से एक बैंक के लिए। तो हो सकता है आतंकवादी को तो अपनी फंडिंग की कमी पूरी करने के लिए इसको लूटने का प्रयास करे। बिल्कुल सही कहा अभिजीत, यही हो सकता है। जिनका भी सिक्योरिटी है इस सोने के ट्रांसपोर्ट में उनको बता देते हैं, आगाह कर देते हैं उनको, और उनको ये भी कहते हैं कि हमारी नजर रहेगी सोने के लेन देन में। और अभिजीत मैं चला जाता हूँ मिश्का के पास, और तुम और दया वंतूर चली जाओ, अच्छी तरह से पूछताछ करो, कुछ ना कुछ तो जरूर हाथ लगने वाला है वहां पर। ये है तुम्हारी ससुराल। तुम भी यार बस मेरी फिरकी लोगे। बस यार बिना बताए शादी करोगे दोस्तों को तो। कमलताई नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। रजनी के साथ झगड़ा तो नहीं चल रहा है? आइए दमाजी बैठिए, क्या लेंगे? रजनी बिटिया ने कुछ बताया नहीं तो हम कुछ इंतजाम करते। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। अभिजीत
गांव में एकदम सन्नाटा है, बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पिछली बार तो बहुत चहल पहल थी यहाँ पर। ये लोग कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। ये तो वही रिपोर्टर है ना जो ब्यूरो में आया था। सब ठीक तो है ना यहाँ पे? सब ठीक ही तो है। नहीं मतलब हम लोग ऐसे ही हाल चाल जानने आए थे तो। बैठिएगा। नहीं नहीं नहीं, हम लोग चलते हैं, है ना? दोबारा आइए। हाँ चले, चलो बच्चे, चलो चलो। सुनो, एक काम करो, बच्चों को वापस छोड़ के आओ गांव। सीआईडी जा चुकी है। क्या है, नहीं है अभी तो आए हैं। बहुत बड़ी गलती की है। ये क्या सीआईडी ऑफिसर गाड़ी चला रहा है? अरे एक और सीआईडी ऑफिसर हमारे पीछा कर रहा है, इसको गाड़ी रोकने मत देना। तुम सबको साथ लेके मरेंगे। बस रोको, जल्दी सब बाहर निकलो, बस बाहर निकलो जल्दी। सर यही कुरियर का पैकेट मिला उस क्राइम सीन से। इसमें नाम और एड्रेस इंग्लिश में, तो ये जापनीज में कुछ लिखा है। क्या हो सकता है? मिशिका, क्या हुआ बेटा? आके खोलो मिशिका। देखो देखो, बच्चे आ गए। हे भगवान, तूने हमारी सुन ली। आजा मेरे बच्चे, कैसी है तू? सिर्फ 5 टन सोने के लिए ये लोग
सुसाइड बॉम्बर बने घूम रहे हैं और खुद को उड़ा भी लिया। देखते हैं क्रिमिनल डेटाबेस से क्या पता चलता है। इनकी इंफॉर्मेशन तो भेज दी है ना वहां पे, हो ना हो ये सब पुराने पापी ही होंगे। डॉक्टर साहब अब मिशिका की तबीयत कैसी है? मिशिका के दूध में काफी मात्रा में नींद की दवाई थी। व्हाट? जी सुना आपने डॉक्टर साहब ने क्या कहा? मिशिका की दूध में नींद की दवाई थी। नींद की दवाई कैसे गई दूध में? किसने मिलाई नींद की दवाई? यही काम करने के लिए रखा है तुम्हें? सर मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसा दूध दूध वाला देकर गया था बस वैसा ही मैंने उसे पिलाया। तो शामू ने नींद की दवाई वाला दूध दिया मिश्का के लिए? तो शामू ने, शामू की तबीयत ठीक नहीं थी आज, इसीलिए उसने किसी और दूध वाले को भेजा था। और ये आप मुझे अभी बता रही है? समझ में नहीं आ रहा। क्यों बेचारी मिश्का की जान के पीछे पड़े ये लोग? क्या बिगाड़ा है इसने इनका? तो शायद वो आदमी रजनी के गैंग का मेंबर होगा। पर क्या कनेक्शन हो सकता है मिश्का का इनके साथ? सर इस सवाल का जवाब उस कुरियर वाले पैकेट में हो सकता है, उसमें जापनीज में कुछ लिखा भी था। ट्रांसलेट करके देखते हैं। हमें माफ कर देना, हम मजबूर थे। झूठ बोलने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था। कोई बात नहीं, हम लोग समझते हैं। मेरे दोस्तों और पड़ोसियों को भी इसी तरह धमकाया होगा झूठ बोलने के लिए। कुछ तो प्लानिंग होगी, इतना सब कुछ हुआ है तो मकसद भी खास ही होगा। ये इनकी रिपोर्ट आ गई है। ये जो सुसाइड बॉम्बर था पूरन नाम था, कंडुलाजम आतंकवादी गिरोह के मेंबर हैं ये सब। कुबेर साशा, माजी और ये कोटियाल, तीन लोगों को फांसी की सजा हुई है दिनवारा में ये ब्लास्ट करने के अपराध में। अगले आतंकवादी हमले के लिए ये लोग सोना लूटना चाहते होंगे। अगर ये रजनी के बारे में क्या सोचा? रजनी उस पर नजर रखने के लिए मैंने पूरे घर में स्पाई कैम लगाए। अलर्ट आया, रजनी किसी से कांटेक्ट कर रही है। डायना बोल रही हूँ, पूरा प्लान तैयार हो चुका है। सोना उसी वैन में पुराली रोड से दोपहर 1 और 2 के बीच में जाएगा। वैन उसी वक्त लूटनी है। और घबराओ मत, सीआईडी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो तो यही साबित करने में लगे हैं कि मैं दया की बीवी नहीं, और उनकी एक एक हरकत की मुझे खबर है। उनके सीआईडी ब्यूरो में मैंने छोटा सा बग लगा दिया था। फिर इसमें तो लिखा है कि इस कुरियर में एक लाल रंग की फ्रॉक भेजी गई नेट वाले। सर अब इसका क्या कनेक्शन हो सकता है इस केस से? लाल फ्रॉक, पूर्वी जब वाणी मिश्का को हमारे पास लेकर आई थी तब मिश्का ने वैसी फ्रॉक पहनी थी, एक लाल रंग की फ्रॉक नेट वाली। कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। आ दया। सर ये रहा डकैती का पूरा प्लान जो दया सर के घर से मिला। सर अच्छा हुआ हमने उस रजनी को पहले नहीं पकड़ा, वरना वो आतंकवादी गैंग ये काम किसी और को सौंप देता। तो जब घर पहुंचे तो उसने वो हैम रेडियो, इंटरसेप्टर, स्पाई कैम सब तोड़ दिया था। और सर दामिनी जी भी नहीं थी घर पे, कहीं उनके साथ कुछ कर तो नहीं थी रजनी ने? ये पहले से लग रहा था सर ये कोई मामूली अपराधी नहीं है, हाई लेवल क्रिमिनल है। जानबूझ के हम लोग का ध्यान भटका रहे थे ये लोग, ताकि हम लोग इधर उधर रहें और ये 5 टन सोने पर अपना हाथ साफ कर लें। नहीं अभिजीत, कुछ तो सवाल है इस केस में जो सुलझे नहीं है अभी तक। रजनी वो जानती थी कि वहां पर स्पाई कैमरास हैं और अब देख सकते हैं कि वो क्या कर रही, क्या बोल रही है सब कुछ, फिर भी उसने सारा प्लान क्लियरली बता दिया। तो शायद वो ओवर कॉन्फिडेंट, चुनौती दे रही है। रोक सके तो रोक लो, नहीं रहे अगर वो इतनी चालाक क्रिमिनल है
तो जोश में नहीं, होश से काम लेगी, अपने मिशन को रिस्क में नहीं डालेगी वो। हाँ सर, उसके सोना लूटने का प्लान इसलिए पता चला क्योंकि उसने चाहा ये प्लान हमें पता चले। मगर क्यों? वही तो। पूर्वी एक काम करो, मेरे घर जाकर मिश्का का वो लाल रंग का फ्रॉक लेकर आओ। ये फ्रॉक वैसे मोनिका के नाम से जापान से आया था। इसका भी सोने के डकैती से कुछ कनेक्शन तो नहीं लगता, लेकिन कुछ तो खास बात है इस फ्रॉक में, कुछ तो खास बात है। ये तो यकीन होता जा रहा है कि ये मामला सिर्फ सोने की डकैती का नहीं है, उससे कुछ बढ़कर है। वरना दुष्यंत और मोनिका जैसे टॉप के जासूस ये डकैती के लिए अपनी जान नहीं गंवाते सर। सर, इस फ्रॉक में कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ तो नहीं है? कहीं ये फ्रॉक रेड हेरिंग तो नहीं है सर, हमें हमारे लक्ष्य से भटकाने के लिए? मेड इन इंडिया, यहां भी है एक लेबल मेड इन इंडिया। एक मिनट, कुछ तो है लिखा हुआ इसके अंदर। अंदर की तरफ जापानीज में लिखा है और बाहर मेड इन इंडिया। क्या हो सकता है ये जापानीज में? इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं। पूर्वी सर, देखो जरा, देखो जापानीज में क्या लिखा है, ट्रांसलेट करके बताओ हिंदी में। सर, इसका ट्रांसलेशन। ओह माय गॉड, एजेंट मोनिका आतंकवादियों के साथ मिलकर देश के साथ गद्दारी करती थी। क्या करूं इसे पिसा? पर देखिए ना, कितनी शर्म की बात है, मेरे गोल चुराने वाले प्लान में आप लोग नहीं फंस सके। डायना, मुझे तुमसे इतने खराब काम की उम्मीद नहीं थी। तो क्या दुष्यंत भी? कौन? वो मेरा नकली पति? नहीं नहीं, वो असल में मर चुका है, उसकी लाश असली थी। लाश से कुछ मिनट पहले ही मुझे एक कॉल आया और मैं घर से बाहर भाग गई। सबूत वगैरह मिटाने में हम लोगों को बहुत महारत हासिल है, टॉप की एजेंट जो। टॉप की एजेंट? गलतफहमी है तुम्हारी, मुजरिम चाहे एक आम आदमी हो या फिर टॉप की भी एजेंट हो, हमसे कभी नहीं छुप सकता ना कभी छूट सकता है। मिश्का के लाल कलर के फ्रॉक से
सोने का दिखावा और आतंकवादियों की आजादी। मतलब ये डकैती का प्लान ये सिर्फ दिखावा था, ये लोग आतंकवादियों को आजाद कराना चाहते हैं। और उस फ्रॉक के कारण मैं अपनी जान पे खेल के दया की नकली पत्नी होने का नाटक किया, ताकि मैं देख सकूं कि सीआईडी को मिश्का या वाणी से कोई सुराग तो नहीं मिला। पर अफसोस, मैं उतनी कामयाब नहीं हो पाई, नहीं तो ये सब झंझट नहीं होता। झंझट की तो कोई बात अब भी नहीं है, हमें फांसी पे लटकाने चले थे। अब देखो यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। करोगे तो तब जब यहाँ से सही सलामत निकलोगे। देवर जी, आप ना बहुत ज्यादा बोलते हैं। चलो वैन के अंदर चलो, चलो। और अगर नहीं चले तो जरा पलट कर देखो पीछे। वानी, दामनी और मिश्का, इन तीनों को बम से उड़ाने में हमें 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे, समझ गए ना? वैन में बैठ जाओ सब लोग, चलो जल्दी। अभिजीत, पूर्वी, देख। चल चल इधर खड़ा जा। तुम लोगों को क्या लगा हम लोग यहाँ ऐसे ही आए बिना किसी तैयारी के? प्राणेश्वरी आइए, आपके असली ससुराल जाने का वक्त आ गया, आइए। चलो भाभी, चलो 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 चल चलो, चलो आइए। तुम ठीक हो बेटा? हाँ। इन सबको तो पकड़ लिया, लेकिन असली खिलाड़ी तो अभी भी हमसे छुप कर बैठा है कहीं। उसको भी पकड़ लेंगे सर। अभी ये मिश्का का क्या करना है? सर, एक ऑफनेज में मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, मिश्का के लिए मैं उनसे बात कर सकता हूँ। नहीं, मुझे अंकल के साथ रहना है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें हमारे साथ रखेंगे, ठीक है? चलो For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.